गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल टाइम। आज मैं इस समय आया हूँ पुवार आइलैंड रिजॉर्ट में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज इन पुवार है। ये यहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल वेलकम हो रहा है। आप देखेंगे कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के लिए आने के लिए केन की मोटर बोट है और इनका जेटी पॉइंट यहाँ से 10 मिनट दूर है। वो जेटी पॉइंट से मोटर बोट से ये लोग यहाँ लेके आते हैं। और दीज आर द कॉटेजेस दैट यू आर सीइंग, दीज आर फ्लोटिंग कॉटेजेस। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। हम देखेंगे ये हमारा स्वागत किया जा रहा है नारियल पानी से। आप देखेंगे मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं जो नारियल पानी ले रहे हैं और ये एक ट्रेडिशनल वेलकम है, तो मैं भी ज़रा नारियल पानी ले लूं, फिर मैं आपको और शूट करके बताऊंगा। अब हम मेन रिसेप्शन एरिया की तरफ जा रहे हैं। आप देखेंगे कितनी ग्रैंड प्रॉपर्टी है ये और बहुत ही, मेरे ख्याल से 3-4 एकड़ के ऊपर ज़्यादा लैंड में ये स्प्रेड हो रखी है। ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी इन पुवार। आज हमारा यहाँ पे लंच भी है, तो आई विल शो यू सम ऑफ द रूम्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी, सो यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि ये पाके में क्यों इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है। ये देखो क्लीनिंग कर रहे हैं पानी में। ये रिसेप्शन एरिया, दिस इज द रिसेप्शन एरिया। हेलो, दिस इज माई सेकेंड टाइम आई हैव कम टू दिस प्रॉपर्टी। आई हैव कम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इससे पहले मैं 8-9 साल पहले आया था एंड आज भी ये प्रॉपर्टी इतनी फ्रेश और बढ़िया लगती है। नाउ वी आर एट द पूल साइड एरिया और ये रूम्स है, छोटा सा सिट आउट एरिया भी है। कुछ गेस्ट भी ठहरे हुए हैं, आई थिंक अब ये देखने आए। ये बेस कैटेगरी भी अच्छी है।
हम देखेंगे कितनी अच्छा स्पेशियस रूम है ये, बेस कैटेगरी रूम है, इसमें सोफे भी लगे हुए हैं। इस रूम से बाहर आने के बाद ये व्यू है, आप देख सकते हैं ये सिट आउट एरिया है। आपने इस बेस कैटेगरी रूम के बाहर आप ऐसे यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। ये यहाँ का रूम का जो एरिया है, यहाँ पे भी सेट कोई गेस्ट रह रहे हैं, आप मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ ये कितना रूम स्पेशियस है। ये होटल के मैनेजर है जो हमें प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। सो ये आई श्योर आपको आइडिया आ गया होगा कितना अच्छा रूम है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं आयुर्वेदा विलेज देखने। सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है टू दिस रूम। काफी स्पेशियस प्रॉपर्टी है और फुल ऑफ ग्रीनरी। ये भी यहाँ पे कुछ रूम्स हैं। योगा सेंटर, बोट जेटी, सनसेट बार, लेफ्ट में है सनसेट बार और ये योगा सेंटर है। ये आयुर्वेदा विलेज की एंट्री है, सब वेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी अच्छे अच्छे रूम्स हैं। सीरियसली ये इनका एक और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। यू सॉ वन स्विमिंग पूल दैट साइड, अब इस वाली प्रॉपर्टी के कमरे इस टाइप के हैं, थोड़े कॉटेजेस। अमेजिंग। आई थिंक इस पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए आपको आराम से एक दो घंटे चाहिए। ये आयुर्वेदा विलेज का प्रोग्राम चार्ट है, आयुर्वेदा का हर डे का। और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के टाइमिंग है। ये रेस्टोरेंट है। ये जो गेस्ट आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं, ये उनका डाइनिंग एरिया है। सो यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ट्रीटमेंट के अनुसार फूड ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और स्पेशियस प्रॉपर्टी।
ये दीज आर आर इंटरनेशनल गेस्ट, दे हैव ऑल्सो कम टू एक्सप्लोर दिस प्रॉपर्टी लाइक अस। ये हॉस्पिटल टाइमिंग, पूर्वेदा आयुर्वेदा हॉस्पिटल टाइमिंग। ये यहाँ डॉक्टर्स का रूम है जहाँ कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट होती है। ये आयुर्वेदा हॉस्पिटल है बेसिकली। So a lot of clients from overseas, they come here for Ayurvedic treatments. 2 weeks, 3 weeks program, 1 month program, 2 months program. This is the Hall of Fame. अभी मुझे होटल के मैनेजर ने बताया है कि ये जो आयुर्वेदा हॉस्पिटल है यहाँ पे दे हैव 28 रूम्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स दैट हु कम हियर दे स्टे मिनिमम 7 नाइट्स एंड 80% ऑफ देयर क्लाइंट्स स्टे फॉर 21 नाइट्स। द नेशनलिटीज दैट आर वेरी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल इन टू दिस प्रॉपर्टी आर Europeans, mainly from Germany, some are from Italy as well, and the property is scattered in an area of 25 acres. It has got 90 rooms, so it's a huge property scattered in 25 acres of land. This is one of the rooms for the Ayurveda category. They have 28 such rooms. तो अभी हम एक रूम देख रहे हैं यहाँ पे 274। साल छुई हुई कैसा लगता है। देखें ये कितना अच्छा रूम है, क्वाइट स्पेशियस। सो ये आयुर्वेदा विलेज जो इनके आयुर्वेदा का एक्सक्लूसिव सेक्शन है, ये उसके 28 रूम्स में वन ऑफ द रूम्स। This is the bathroom area. Again, आप देख सकते हैं ये वाटर टी कॉफी मेकर, और ये कितना स्पेशियस बाथरूम है। This is their multi cuisine restaurant. वो जो पहले रेस्टोरेंट दिखाया था वो आयुर्वेदा विलेज का था, और ये रेस्टोरेंट जहाँ पे हम अभी लंच करेंगे, ये हमारे गाइड हैं, ऑलरेडी लंच कर रहे हैं। ये दिस इज
द ओशियनस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, एक वहाँ पे भी है रेस्टोरेंट। देखेंगे ओशन एरिया, ये आज का लंच का मेन्यू। हाय नमस्कार। हम सो बहुत अच्छा अंदर से, वेरी नाइस। देखोगे मेन्यू कितना एलैबोरेट लविश मेन्यू है। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, ढाबा दाल तड़का, रसम, कैबेज पीस। ये डेजर्ट सेक्शन, मैं अभी लंच करता हूँ, लंच के बाद मैं थोड़ा सा वीडियो और बनाऊंगा। और ये इनका कॉफी शॉप है, और ये उसका आउटसाइड एरिया। यहाँ पे ऑलरेडी लंच कर रहे हैं। तो हम आए पूवर आइलैंड के फ्लोटिंग कॉटेजेस में। आप यहाँ पीछे सिट आउट एरिया से देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू है, और यहाँ बैठ के जो सनसेट देखने या सनराइज़ देखने का मज़ा है वो बिल्कुल इनक्रेडिबल है। ये देखिए ये सिट आउट एरिया। ये एक बाथरूम है इसका, इसमें दो बाथरूम है। दिस इज द फर्स्ट वन, शावर क्यूबिकल, और ये दूसरे वाला बाथरूम। शावर एरिया और ये इसका बेडरूम के साथ थोड़ा सा सिट आउट एरिया। इसके साथ भी बालकनी है। यू कैन सी कितना अच्छा व्यू है बालकनी से। And this is the entry. Toilet वापस देखते हैं। देखिए how is the view? और हम इस wooden bridge के through enter किए थे इस floating cottage में। और बाहर से ये ऐसा लगता है। गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।